तो दोस्तों अभी आप टाइम देखो, मैं अभी अभी घर में रिटर्न हुआ हूँ। अभी मैं घर में आया हूँ और चलिए थोड़ा सा टाइम आपको दिखाते हैं। तो टाइम क्या हुआ है भाई, देखो टाइम हो गया है 12:15। तो एक बात मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा, जब मैं यहाँ पे जोमेटो में काम करता हूँ तो रात में इतना लेट होता है, इतना लेट होता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। क्योंकि 12 बजे के बाद ही काम करोगे तो फ़ायदा है जोमेटो में, और 12 बजे तक आप जो है लॉग आउट भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जब ऑर्डर्स आता रहता है और वो टाइम पे आपको जो है टारगेट फिलअप करने का बहुत ही अच्छा चांस रहता है। तो मतलब पूरा दिन का अगर टारगेट नहीं होता है तो रात को 12 बजे तक जोमेटो का जो टाइमिंग्स रहता है उस 12 बजे के बाद काउंट होता है एक दिन, और 12 बजे से बाद भी एक काउंट होता है। तब क्या करते हो, अगर आपको एक ऑर्डर भी नहीं होता है तो आप 11:56 तक भी जपते हो या फिर 11:59 तक भी जपते हो, चाहे एक ऑर्डर आ जाए तो आपका जो है टारगेट हो जाए, अचीवमेंट हो जाए। तो इसीलिए जब तक मैं जोमेटो में काम करता हूँ मुझे मतलब घर में आने के लिए नहीं होता है, जल्दी जल्दी नहीं होता है। तो आज भी ऐसा हो गया है, 12:30 चुको हो चुका है। तो चलिए आज सुबह से कितने बजे निकला था जो भी कुछ है मेरा फ़ोन का डिस्प्ले में आपको दिखाते हैं, बट उससे पहले देख लेते हैं मेरा गाड़ी का ऑडोमीटर। तो चलिए देखते हैं। चलो जी, और ये है मेरा गाड़ी ऑन कर दिया, कितना हुआ है 2614। तो 2614 है गाड़ी का ऑडोमीटर। और अभी आप देख सकते हो जिस खातिर मैंने यहाँ पे गया था जोमेटो का, सॉरी सेटोवैक्स का ऑफिस में, तो वो है सेटोवैक्स का बैग और इसके अंदर है सेटोवैक्स का टी शर्ट। और चलिए मेरा गाड़ी का जो ऑडोमीटर था सुबह में कितना था मैं देख लेते हैं, आपको दिखाते हैं। और सुबह में मैं जब घर से निकला था आप देख सकते हो 2509 था गाड़ी का ऑडोमीटर, और इसका टाइम भी आपको दिखा देते हैं, टाइम जो था आज का डेट था। और हाँ, आज का डेट क्या है, 24 सेप्टेम्बर है, मतलब 12 बज चुके हैं। तो आज मैं 23 सेप्टेम्बर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 23 सेप्टेम्बर दोपहर 12:48 में 12:48 को मैंने घर से निकला था। मैं जा रहा था सैडोवैक्स को ऑफिस अटेंड करने में, क्योंकि मुझे यहाँ पे लेना था सैडोवैक्स का टी शर्ट एंड सैडोवैक्स का बैग, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया था, मेरा अकाउंट से 1600 रुपीज़ जो है डिडक्ट कर दिया था। तो ऑनबोर्डिंग फीस टी शर्ट एंड बैग के लिए 1600 इन लोगों ने मेरा अकाउंट से डिडक्ट किया था, और मेरा अकाउंट में दोस्तों यहाँ पे 124 ऑर्डर्स भी हो गया था। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे जाके और जो टी शर्ट है बैग लेकर आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है प्रॉब्लम, अगर आप फिर से आप सैडोवैक्स में काम करना शुरू करोगे तभी वो आपको आपको सेल्फी नहीं दे पाओगे टी शर्ट के साथ बैग के साथ, तभी प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैंने आज सुबह में सोचा था जाने के लिए, बट बड़ा लेट ही हो गया था आज जाना था कोरमंगला में। मेरा घर से जो कोरमंगला का डिस्टेंस है वो है 20 किलोमीटर्स। तो घर से निकला लेट हो गया था, 12:48 को घर से मैं निकला था। उसके बाद जो है ऑफिस में गया, ऑफिस में जाने के बाद जो भी कुछ लेना था लिया। और एक बात यहाँ पे क्या है, मैं एक चीज़ देखा है कि सैडोवैक्स का ऑफिस में इन लोग दोस्तों जो है उतना अच्छा बिहेवियर नहीं है। अगर सैडोवैक्स कंपनी की तरफ से आप लोग देख रहे हो, प्लीज़ एक बात थोड़ा ध्यान में रखें आप लोग, कि आप लोग एक नया कंपनी हो, उभरती हुई कंपनी हो, तो उभरती हुई कंपनी को क्या करते हैं, हम जो है सभी सपोर्ट करते हैं, ऐसा कि नहीं है कि कोई सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट तो करते हैं। बट एक बात आप ध्यान रखो, आपका जो वर्कर्स लोग है ऑफिस में उन लोगों को थोड़ा बताओ कि थोड़ा सा ढंग से पैसा है। ढंग से पैसा आने का मतलब यह है कि उन लोगों को थोड़ा सिखाओ कि मतलब जो आने वाला जो आदमी रहता है हमारा ऑफिस में वो रहता है मतलब क्या बोलते हैं, मेहमान रहता है, एक गौर रहता है। मतलब इस तरीके से उनको सिखाओ कि जो बंदा हमारा ऑफिस में आ रहा है उसके साथ थोड़ा अच्छा सा सलूक किया जाए। मतलब आप लोगों का बात करने का ठीक ढंग ही नहीं है। जो मैं इसीलिए बात बोल रहा हूँ, जो मैं उबर ऑफिस में गया था, जोमेटो ऑफिस में गया था, जो मेरा उनके साथ जो बात करने का जो तरीका था, जो ढंग था, जो एक्सपीरियंस रहा बहुत ही अच्छा रहा। बाकी आज जब मैं सैडोवैक्स ऑफिस में गया, बात करने का तमीज़ मतलब उतना मतलब आप लोग मतलब उतना नहीं है। एक बात मैं पूछा कि मुझे जो है यहाँ पे कोलकाता का जो सैडोवैक्स का ऑफिस का एड्रेस चाहिए, अगर जॉन भाई देख रहे हो तो प्लीज़ मैं आपके लिए ट्राई भी किया था। तो जॉन मेरा बंदा है, मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है जो कोलकाता से है, बिलोंग करते हैं, तो उनको चाहिए कि सैडोवैक्स में ज्वाइन होने के लिए। बट मैंने आज गया ऑफिस में और जाने के बाद मैंने पूछा कि कोलकाता में एक बंदा है जिसको सैडोवैक्स में ज्वाइनिंग करना है, आप बताओ कुछ ऑप्शन है। तो वो बोला नहीं मुझे कुछ मालूम नहीं है, बैंगलोर का मालूम है, ये है वो है। तो ऐसा कुछ था दोस्तों, मैंने यहाँ पे मैंने बैग लिया, टी शर्ट लिया। उसके बाद अच्छा, और एक बात, जो बैग लिया बैग तो अच्छा है, बट टी शर्ट जो है दोस्तों उतना अच्छा नहीं है। टी शर्ट का जो क्वालिटी है, अगर सैडोवैक्स कंपनी से अगर आप कुछ देख रहे हो तो प्लीज़ ये जो 1600 रुपीज़ अमाउंट है ना, इसको थोड़ा कम करो, क्योंकि ऑनबोर्डिंग के लिए 1600 रुपीज़ अमाउंट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। एक नया कंपनी के लिए जो है आप लोग अगर उसको रेट थोड़ा कम करोगे, 1600 नहीं, अगर 1500 1000 के अंदर करोगे, 1100-1200 रुपये, तो बहुत ही अच्छा रहेगा जो है न्यू राइडर्स को यहाँ पे प्रेफर करने के लिए, न्यू राइडर्स को यहाँ पे रेकमेंड करने के लिए। तो थोड़ा सा कोशिश करो आप लोगों का जो टी शर्ट है उसको थोड़ा अच्छा क्वालिटी देने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जोमेटो में भी काम किया, उबर इट्स में भी काम किया, और उसके साथ साथ स्विगी में काम किया, बट उन लोगों का जो टी शर्ट है ना क्वालिटी मस्त है। मतलब आप देखोगे अगर उस
ब्रांडिंग नहीं रहा जोमेटो का, उबर ईट्स का एंड स्विगी का ब्रांडिंग नहीं रहा, तो वो टी शर्ट आप बहुत दिन पहन सकते हो, एक साल दो साल पहन सकते हो, बहुत ही अच्छा सा उसका लुक भी है और कंफर्ट भी है। बट आप लोग का टी शर्ट उतना अच्छा नहीं है, प्लीज़ इसको थोड़ा मान लीजिए, और चाहे हो सके तो आने वाला दिन में कंपनी की तरफ से इसको थोड़ा सा क्वालिटी को थोड़ा अच्छा ध्यान में रखने की कोशिश करें। तो बाकी आपको मैं दिखाऊंगा सूटी का जो टी शर्ट का क्वालिटी कैसा है। तो उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑन किया था जोमेटो का एप्लीकेशन, तो चलिए मेरा जोमेटो का एप्लीकेशन में दिखाता है और किस तरीके से मैंने यहाँ पे इनकम किया, सब कुछ दिखाते हैं। और एक बात कि सैटरबॉक्स का एप्लीकेशन आप लोगों को भाई बहुत सारे टाइम दिखाया कि बहुत ही हैंग होता है, बट एक बात बहुत ही अच्छा लगता है कि जोमेटो का एप्लीकेशन कहाँ पर भी ऑन करो ये जो है हैंग नहीं होता, तो ये ऐसे ही है, देखो कितना जल्दी से ओपन हो गया ये। तो चलिए मैं पहले दिखाता हूँ आपको जो है आज मैं कितना काम किया था। ओके, तो यहाँ पे चेंजेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पे आउट डिटेल्स के जाता है, एंड पे आउट डिटेल्स जाने के बाद मैं यहाँ पे 23rd कर लेता हूँ। तो 23rd करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 10 ट्रिप लिया मैंने, यहाँ पे 8.4 आवर्स यहाँ पे लॉगिन में था, और यहाँ पे मेरा जो इनकम है वो है 363.3। तो 363 मेरा इनकम है। उसके बाद जो मेरा टारगेट इंसेंटिव वो आना चाहिए मुझे 75 रुपीज़ इंसेंटिव आना चाहिए, और बट मैंने तो मैं काम किया था आज 500 रुपये के लिए, तो भी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लॉगिन आवर्स के ऊपर क्लिक करूँ तो लॉगिन आवर्स कैसा था वो मैं देखने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो चलिए मैं जो रेड कार्ड के लिए काम किया था तो मैं 500 रुपीज़ के लिए काम किया था, देख सकते हो मेरा इंसेंटिव प्लान इस तरीके से है। तो आप चाहे तो इसको पॉज करके देख सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो 1000 रुपीज़ के लिए 18 आवर्स एंड 4 आवर्स लॉगिन रहना पड़ेगा, 7 to 11 4 घंटा लॉगिन रहना पड़ेगा 7 से 12 बजे तक। और यहाँ पे देखो 15 ऑर्डर्स के लिए 4 घंटा लॉगिन में रहना पड़ेगा और आपको 800 रुपीज़ मिलेगा। और यहाँ पे देखो 10 ऑर्डर करो मिनिमम और आपको 4 घंटा लॉगिन रहो, 7 से 12 बजे के अंदर 4 घंटा लॉगिन में रहो और आप जो है 500 रुपीज़ मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आज 10 डिलीवरी कंप्लीट कर दिया है और मुझे उम्मीद है कल तक ये जो है 500 रुपीज़ में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। एक जो मिनिमम गारंटी है उसमें तब्दील हो जाएगा। और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जो मेरा टाइम है मतलब कितना घंटा मैं लॉगिन में रहा, तो ये है सेशन। और सेशन में ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, आज का नहीं मैं चेंज करता हूँ 23 का। तो 23 का आप चेंज करके देखोगे आप, यहाँ पे देखो 8.24 आवर्स मैं यहाँ पे लॉगिन में था, और देखो आप जो है पहला मैं लॉगिन किया था 225 को, तो 225 को मैंने लॉगिन किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से मैं लॉगिन में था, लॉगिन आवर्स पे देख सकते हो, तो मेरा 4 घंटे का कंप्लीट हो गया है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो ऑर्डर्स जो टिप्स है ना, ये टिप्स आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो है आज 23। तो आप देखो पहला ऑर्डर मेरा किस तरह में था, तो पहला ऑर्डर जो मेरा शुरू हुआ था वो हुआ था, मुझे ऑर्डर असाइन हुआ था 258 को। अब देखो यहाँ पे जो एक ऑर्डर था, ये एक जो ऑर्डर मुझे पड़ा था वो था 908, मतलब 9:08 में ऑर्डर पड़ा था, उसको मैं डिलीवरी कंप्लीट किया था 9:44 PM को डिलीवरी कंप्लीट किया था। बट 9:44 PM से आप देखो ये टाइम पे जो ऑर्डर असाइन हुआ था वो हुआ था 11:03, यानी 15 मिनट, तो 1 घंटा 15 मिनट के आसपास मैंने यहाँ पे टाइम वेस्ट किया। रोड में घुमा, राममूर्ति नगर से मैंने HBR लेआउट को तक आया, मतलब 1 घंटा 20 मिनट तक मुझे कुछ भी ऑर्डर्स नहीं था। ये टाइम पे किस लिए इन लोगों ने ऑर्डर्स क्लोज कर दिया था मुझे तो कुछ मालूम नहीं था, बट मुझे एक ऑर्डर चाहिए था, मैं वो टाइम पे वो ऑर्डर लिया, ये लास्ट वाला ऑर्डर लिया कलीकट रेस्टोरेंट से, और मैं इसको राममूर्ति नगर के रिटर्न दे के आया। तो सुबह से मैं घर से निकला था, कोलमंगला ऑफिस को गया था 20 किलोमीटर जर्नी करके, उसके बाद रात को मैं अभी रिटर्न आया राममूर्ति नगर से 20 किलोमीटर जो है जर्नी करके। तो यहीं पे क्या हुआ आज जो है मेरा जर्नी कितना हुआ, 2509 मैंने शुरू किया था और 2615 में घर में आया, तो एकदम 105 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाया। और उसके अंदर मैं 20 किलोमीटर रिटर्न देना चाहूँगा, क्योंकि 20 किलोमीटर मैंने ऑफिस में गया था इसलिए उसको बाद देना चाहूँगा। तो आज का पूरा गाड़ी मेरा चला 85 किलोमीटर, तो 85 किलोमीटर गाड़ी चला मैंने, यहाँ पे इनकम किया 500 रुपीज़ जो है मिनिमम गारंटी, तो मिल जाएगा कल सुबह मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा, और एक बात क्या हुआ आज का दिन में, मैं गाड़ी का पेट्रोल भराया, कितना भराया 220 रुपीज़, दोपहर को खाना खाया, सुबह में नाश्ता करके निकला था, और शाम के टाइम पे 4-5 बजे इतना खाना भूख लग रहा था, इतना भूख लग रहा था कुछ खाने का जरूरी था। तो थैंक गॉड कि मेरे पास पैसा था, अकाउंट में पैसा आया था, तो उसके लिए मैंने आज जो है चाहा मैं कुछ खाने के लिए। अच्छा, अब और एक बात मैं देखा है कि जब आपके दिल में पैसा नहीं रहता, जेब में पैसा नहीं रहता है, जब आपको भूख नहीं लगता है, आप देखोगे रास्ते में जाने तो बहुत सारे होटल आपको मिल जाएगा, बट जब आपके मतलब भूख भी लगेगा और आपके पास पैसा भी रहेगा, आपको खाने का ज़रूरत है, आप ढूंढते रहोगे आपको होटल ही नज़र में नहीं आएगा। अगर आप लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ। तो ये मेरे साथ भी हुआ, मैं एक होटल ढूंढने के लिए, जाहिर सी बात है मैं जब खाना खाता हूँ मतलब वेज रेस्टोरेंट में खाता नहीं हूँ ज़्यादातर, तो मैं जो है नॉन वेज रेस्टोरेंट में खाता हूँ, और उसमें क्या होता है जो बिरयानी का राइस रहता है वो मैं खाता हूँ ज़्यादातर। तो उसको ढूंढते दोस्तों मैंने मतलब 2-3 किलोमीटर गाड़ी ऐसा चक्कर दे दिया, होटल ही नहीं मिला। बाद में जाके होटल मिला, उसमें खाना खाया। बहुत दिन के बाद दोस्तों हमने क्या किया, आज जो है बिरयानी खाया,
इसलिए खाया कि आज का दिन मेरे लिए सेलिब्रेशन है, क्योंकि आज आप लोगों का भाई को और एक बार यूट्यूब का पेमेंट आया है, तो उसके लिए सेलिब्रेशन तो बनता है। और आप लोगों को भी, मेरा भाई लोग कोई कमेंट किया था कि आपको भी सेलिब्रेशन चाहिए, पार्टी चाहिए, दे देंगे जब हम लोग मीट करेंगे। तो आज दोस्तों मैंने सोचा था कि बिरयानी का राइस खाऊं, मगर दिल में लगा चलो आज बिरयानी खा लेते। तो क्योंकि बिरयानी का राइस जो था वो था 50 रुपीज़ का, 50 रुपये का, और बिरयानी जो था वो था 80 रुपीज़ का। तो मैंने सोचा थोड़ा सा 30 रुपये खर्चा करके बिरयानी खा लेते और शाम तक और एक दो डिलीवरी एक्स्ट्रा करते, ताकि वो बिरयानी का पैसा जो है मेरे जेब में आ जाए। तो ऐसे सोच कर तो मैं बिरयानी खाया। बाद में दोस्तों मैं डिलीवरी कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद आज एक और एक बात खुशी का दिन था। अच्छा, यूट्यूब से पेमेंट आया। तो यूट्यूब से कितना पेमेंट आया इसके लिए अगर आपको जानना है भाई का पेमेंट कितना आया है, तो प्लीज़ मुझे जो है इंस्टाग्राम फॉलो करो। इंस्टाग्राम का आईडी जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, भाई को इंस्टाग्राम में फॉलो करो, आपको जो है मालूम चल जाएगा कि आज का पेमेंट यूट्यूब से कितना आया है। आज का दिन और एक खुशी की बात था ये है कि आज दोस्तों मैंने एक बहुत ही मतलब मेरा बहुत ही अच्छा एक सब्सक्राइबर था जिसका नाम है भूपेंद्र भाई। अगर भूपेंद्र भाई ये वीडियो आप देख रहे हो तो प्लीज़ सॉरी यार, मैं आपको वो टाइम नहीं दे पाया जितना था अब जो है उम्मीद करते थे मेरे से, क्योंकि वो टाइम पे क्या था मेरा ऑर्डर्स भी था एक्चुअली क्या है, वो टाइम में मुझे जो है जो कलिका रेस्टोरेंट का ऑर्डर था उन लोगों ने वहाँ पे ऑर्डर रेडी कर दिया था, और ऑर्डर रेडी करने वजह से मुझे दोस्तों उसको मतलब जल्दी से पिकअप करना था, डिलीवरी करना था। एक्चुअली वो ऑर्डर में मुझे लेट भी हो गया था, लास्ट टाइम में क्या हुआ था लेट ऑर्डर करके मुझे आया था। तो मैंने क्या किया, रेस्टोरेंट जो है HRBR लेआउट एम्पायर रेस्टोरेंट है, तो एम्पायर रेस्टोरेंट के पास मतलब जा रहा था, उधर मैं खड़ा रहा था, और जो मेरा सब्सक्राइबर है भूपेंद्र भाई उन्होंने मुझे देखा, देखते मतलब देखने के बाद वो मुझे दूर से मतलब आने का कोशिश किया मेरे पास। तो मैं सोचा कि ऐसे ही आ रहा है कि मैं तो मतलब अपोज कर गया। बाद में मैं जब मेरे ऑर्डर आया तो मैं निकल के जा रहा था, गाड़ी के पास जब गया वो बंदा मेरे पास भाग के गया, और वो मुझे यही देख के पहचान गया जो मेरा गाड़ी में जो पेटीएम का टेप है। अब ये पेटीएम का टेप भी मेरे से ब्रांडिंग कर रहा है, क्या हो गया दिन कल। चलो, तो जो मेरा मोबाइल का जो होल्डर था उसके ऊपर जो पेटीएम का ब्रांडिंग था मतलब जो टेप था, वो देख के बंदा जो है मुझे पकड़ लिया, बोला भाई आप अरमान भाई हो ना? यस अरमान भाई हूँ, आप कौन है? बोला मैं तो भूपेंद्र हूँ। अरे यार भूपेंद्र, जो मेरे साथ चैट करते हो इतना दिन से, आप ही हो? हाँ मैं ही हूँ। तो बहुत अच्छा टाइम से हम बताया मतलब बहुत अच्छा गुड क्वालिटी टाइम बताया, फोटो भी खींचा, सेल्फी ले लिया। बट ये है कि उन्होंने बोल रहा था भाई आप जितना जल्दी चले जा रहे हो थोड़ा सा रुको, चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे। तो क्या था, मेरा डिलीवरी था और डिलीवरी नहीं हुआ। भूपेंद्र भाई हम लोग जरूर मिलेंगे और एक बार चाय भी पियेंगे, कुछ नाश्ता पानी कुछ खाएंगे पियेंगे, थोड़ा कुछ टाइम पास करेंगे। तो यही है मेरा बंदा, यही है मेरा भाई जो है भूपेंद्र भाई, जो आज मेरे से मिला था, बहुत ही अच्छा क्यूट लड़का है। और यहीं पे अगर मैं यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप में जाऊँ तो ये मेरा बंदा है भूपेंद्र भाई, जो मेरे से बहुत दिन से चैट कर रहे हैं, मेरा सब मतलब मेरा जो सलाह मशवरा ले रहा है, मेरा भी जो भी कुछ है मैं उनको भेज रहा हूँ बहुत दिन से इतना दिन से मतलब बात करो कि 10 सितंबर से इन्होंने मेरे साथ बात करना शुरू किया। तो एक बहुत ही अच्छा इन्होंने साथ मैं बात किया और अच्छा जो है क्वालिटी टाइम जो है यहाँ पे स्पेंड किया। बाकी रहा दोस्तों फैमिली टाइम सेलिब्रेशन, और आप लोगों का भाभी को मुझे बहुत दिन से मैंने यहाँ पे इनको ट्रीट नहीं दिया, आप लोगों का भाभी को और बच्चे लोगों को ट्रीट नहीं दिया, और कल का दिन हम रखते हैं ट्रीट के लिए। तो हम कल कुछ थोड़ा कुछ खाएंगे पियेंगे, थोड़ा कुछ जाएंगे, कुछ शॉपिंग तो नहीं करेंगे बट कुछ खाने के लिए कुछ जाएंगे, कल कुछ होटल में जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे। तो जोमेटो में जैसे मैं बात कर रहा था दोस्तों, बीच में मुझे जो है यहाँ पे 1 घंटा 15 मिनट तक मुझे ऑर्डर्स नहीं था। और प्लीज़ अगर आप लोगों के साथ भी इस तरीके से होता है तो आप लोग भी यहाँ पे वीडियो डिस्क्रिप्शन में कमेंट करो कि रात को 10 बजे के बाद अगर आपको भी जो है स्टॉक हो जाता है, ऑर्डर नहीं आता है, तो आप वो यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो। जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं फैमिली छोड़ के जो है होटल में बिरयानी खाया या फिर जो है खुशका के साथ कबाब खाया। तो खुशका के साथ जो कबाब होता है वो भी मैं खाता नहीं हूँ, ओनली राइस खाता हूँ, बिरयानी राइस जो 40 रुपये का आता है या फिर 30 रुपये या फिर 50 रुपये का आता है। और बिरयानी का जो मतलब चिकन रहता है वो मैं खाने के टाइम में डरता हूँ कि मैं मेरे बच्चे लोगों को नहीं दे पाया, मेरा फैमिली को नहीं दे पाया, मैं अकेला खा रहा हूँ। तो ये मैं खाता नहीं हूँ, कबाब भी खाता नहीं हूँ, ज़्यादातर राइस खाता हूँ। बट आज मैं खा लिया क्योंकि दिल को लग रहा था कि आज खाना चाहिए, आज थोड़ा सा पेट को थोड़ा देना चाहिए। एक्चुअली आज दिल में मतलब काम करने का सोचा नहीं था क्योंकि एक वीक पूरा काम किया, तो ये वीक में पूरा जो है काम नहीं करना था, प्लानिंग था। बट जैसे कि मैं ऑफिस में चला गया, तो ऑफिस में जाने के बाद मुझे क्योंकि ऐसा लगा कि चलो यार थोड़ा कुछ काम कर ले, बाहर निकल के आ गया तो कुछ काम तो कर लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं आज पूरा का दिन काम किया, और इतना रात में आया तो कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो अभी मैं बस बैठूंगा 2-3 बजे तक, जितना दिन हो सके ये जो वीडियो है इसको एडिटिंग करूंगा, और 2-3 वीडियो पड़ा हुआ है उसको भी एडिटिंग करना है। कल तक आपको जो है 2-3 वीडियो देना है, क्योंकि आज का रात का जो वीडियो था 7:30 बजे वो मिस हो गया, नहीं दे पाया। कल सुबह में एक वीडियो आने वाला है, और जो कंटिन्यूस वीडियो है वो मैं मिस कर रहा हूँ ये मेरा जर्नी के लिए।
जोमेटो का जिंदगी है जो डिलीवरी बॉयज की जिंदगी है, मैं छोड़ना चाहता हूँ मगर किस लिए नहीं हो पा रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है जब तक मेरा कुछ भी अदर्स जो है ऑप्शन मुझे नहीं आता है तो। अच्छा और एक बात है दोस्तों, जो भूपेंद्र भाई आज मेरे से जो मिला था वो बोला था कि यार उनको जो है थोड़ा दिन पहले स्नैचिंग हो गया था, तो रात को 11:30 के पास डिलीवरी कर रहा था वो टाइम पे उसको स्नैचिंग हो गया था। और जो स्नैचिंग का बात जो दोस्तों बहुत ही मुझे बहुत दिन से मालूम है, जब मैं जलाली में काम कर रहा था, जब मैं ये जो है जोमेटो में पूरा शुरू किया था वो टाइम पे जो जलाली का लोकेशन है जो प्लैटिनम सिटी का लोकेशन है वो टाइम पे वहाँ पे भी बहुत सारे स्नैचिंग होता था। तो अभी भी वो हो रहा है हिब्बल रोड में जो मतलब रिंग रोड के करीब करीब उनको भी मतलब स्नैचिंग हो गया, तो मुझे बहुत ही खराब लगा वो सुन के। ये जो है मतलब होना भी नहीं चाहिए और इसके लिए क्या करना है कुछ भी ऑप्शन तो हमें नहीं मालूम है, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट दोस्तों आप लोग अपना ध्यान रख के गाड़ी चलाओ, आप लोग अपना ध्यान रख के जो है डिलीवरी करो, तो जो भी होता है तो कुछ बोल नहीं सकते, हम तो सोचते नहीं है मगर हो जाता है। तो अगर आप लोगों के साथ भी इस तरीके से कुछ स्नैचिंग हुआ है जो आप डिलीवरी के काम कर जाते हो, आप लोगों के साथ इस तरीके से स्नैचिंग हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, तो ताकि उसको देख कमेंट देख के हम लोग भी थोड़ा सा मतलब समझ रहे कि स्नैचिंग का जो चीज़ है किस तरीके से होता है किस तरीके से हो पाता है। और एक बात दोस्तों, आज मैंने मेरा जो पुराना जो दोस्त था जो कि जोमेटो में काम करते हैं वीरेंद्र भाई, मैं उनके साथ बहुत दिन के बाद चैट किया, 2-3 दिन के बाद चैट किया और चैट भी किया इतना ख़राब किया, मतलब इतना ख़राब हुआ मुझे बहुत ही ख़राब लगा। जो बंदा इतना खस्ता खलता था, जो बंदा इतना मतलब इतना क्यूट था और एकदम जो है जोमेटो का रैंकिंग में वो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में आता था, इतना बंदा आज दोस्तों मैंने देखा कि उसका रैंक जो है 9th रैंक में है। तो मैं उनको पूछा कि भाई अब तेरा रैंक 9th में क्यों है, तो उन्होंने बोला भाई काम करने का दिल ही नहीं है तो क्या करूं। एक बात तो मुझे लगा कि हाँ काम करने का दिल इसलिए नहीं है क्योंकि उसका जो है ऑर्डर्स कैंसिल हो गया था, और ऑर्डर्स कैंसिल होने के बाद वास्ते क्या होता है जोमेटो का जो मिनिमम गारंटी है वो नहीं आता है, तो 10,000 का उसको भी नहीं हुआ, उसका जो है खाली 5,100 रुपीज़ समथिंग हुआ था वो वीक में। तो मैंने पूछा इसके लिए क्यों है और आपको काम करने का दिल क्यों नहीं लग रहा है, तभी बंदा ऐसा बोला कि भाई मैं आपको बताया नहीं हूँ कि मेरा डैडी गुजर गया 19 सितंबर को। तो मुझे इतना तजुबा हुआ इतना ख़राब लगा सच में यार, जो बाप माँ होता है जब तक रहता है ज़िंदगी में तब तक मतलब ऊपर वाला का रहमत रहता है, और जब तक चला जाता है मतलब ज़िंदगी में मतलब सब कुछ अधूरा लगता है, चाहे सब कुछ दुनिया में आ जाता है मगर बाप और माँ जो तो दुनिया में मतलब बहुत खराब लगा, मतलब न्यूज़ सुन के खराब लगा। उनसे मैं पूछा कि भाई तू क्यों नहीं बताया जो तेरा मतलब डैडी गुजर गया, तो मैं भी शायद उनको लास्ट जो उनका जो लास्ट टाइम था मैं देख पाता था उनको। तो वो बोला कि भाई मुझे आपका मतलब बात याद नहीं आया, और एक्चुअली मैं बहुत ही ख़राब था, डिप्रेशन में था, सबके साथ बात किया तो आपका साथ मतलब आपका याद नहीं आया तो मैं आपको नहीं बताया। तो कुछ फ़ोटो भेजा है उनका पिताजी का, एक्चुअली वो दोस्तों हॉस्पिटल में एडमिट थे और लास्ट टाइम में मुझे दिखाया भी था कि उसका जो है उनका पिताजी का कोविड भी नहीं है, कोविड नेगेटिव है वो भी दिखाया। तो मैं पूछा कोविड भी नेगेटिव नहीं था, हाँ तो बहुत अच्छा था। बट रात के टाइम में क्या हुआ, वो जो रिपोर्ट दिखाया था, रिपोर्ट दिखाने के बाद में रात में दोस्तों उनको जो है सीरियस हो गया था, मेजेस्टिक करीब करीब कुछ श्रीनिवास हॉस्पिटल है उनको रिटर्न लेकर वहाँ पे लेके गया था, और वहाँ पे लेके जाने के बाद सुबह के टाइम पे उनको जो है इंतकाल हो गया। तो बहुत ही ख़राब लगा, ऊपर वाला करे उनको जो है बहुत ही अच्छा दरवाज़ा दे, उनका जो है अच्छा से रखे। और ये बात है, और एक बात है कि आज जो गाउस भाई था जो आंध्रा से आए थे उनको मैं फ़ोन किया मिलने के लिए, क्योंकि मैं आज कोरमंगल में था तो सोचा था कि उनके साथ मिल लूँ, क्योंकि दोमलू जो है बहुत ही करीब था, 3-4 किलोमीटर का अंदर था। बंदे को मैं फ़ोन किया, मैसेज किया, बंदा जो है लोकेशन भेजा तो भेजा, कहाँ का भेजा, गांव का भेजा, भाई आ जाओ जो है क्या बोला, मैं क्या कर रहा हूँ, बोल रहे भाई मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है भाई रुक जा मैं भी आ रहा हूँ खाना खाने के लिए। वो बोला भाई मैं भी अब भी आ जाओ खाना खाने के लिए, ठीक है भाई तू लोकेशन भेज दे मैं आ जाता हूँ। जब लोकेशन भेजा देखा गाँव का है, मैं पूछा क्या भाई क्यों गाँव चला गया, बोला भाई मम्मी का तबीयत ख़राब था, मैंने उनको घर में आया, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, अब थोड़ा सा सुकून है, थोड़ा सा उनको आराम है, तो फिर से 2-3 दिन के बाद फिर से जो है रिटर्न बैंगलोर में जाने वाला हूँ। तो ये भी बहुत खराब लगा कि मतलब अपने बाबा को ख्याल रखो यार प्लीज़, मैं भी कोशिश करता हूँ आप लोग भी कोशिश करो। चलिए जो वीरेंद्र भाई का जो टैट है मैं आपको दिखा दूँगा और यहाँ पे वीडियो कंक्लूड करते हैं। बट बहुत ही ख़राब लगा यार, आज का दिन बहुत कुछ चीज़ के लिए बहुत अच्छा था बट बहुत कुछ चीज़ के लिए आज का दिन बहुत ही ख़राब था, जो मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। और वीरेंद्र भाई ऐसा है कि मुझे दोस्तों कभी भी चैट करते रहे, आप देख सकते हो आज का जो पेमेंट था ये वीक का पेमेंट था, वो आप देख सकते हो, तो कल 719 किया, उसके बाद 928 किया, आज का दिन में खाली 348 किया, 45 डिलीवरी किया वो बंदा, और हो यार वो तो मैं कितना जो है रात को 10 बजे चैट किया मेरे को,
कहाँ पे हो भाई करके। और आप देखो यहाँ पे चैट चल रहा था हमारा, और लास्ट वीक में उन्होंने कितने कमाए यहाँ पे, 5,000 रुपये कमाया, ठीक है। हालांकि ये जो है 10,000 रुपीज़ होना था, उसका गाड़ी ख़त्म हो गया, गाड़ी ख़राब हो गया था, और गाड़ी ख़राब के पीछे मैसेज भी आया था उसका जो गाड़ी ख़राब हो गया था, तो कुछ गाड़ी ख़राब हो गया था इसीलिए वो ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा। तो एक ऑर्डर कैंसिल करोगे तो आपको जो है जोमेटो का प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए उसका जो है उस वीक का जो मेन जी था वो गया, तो ये उसका गाड़ी ख़राब हो गया था इसीलिए वो टाइम पे एक ऑर्डर था उसको कैंसिल किया था, तो इसीलिए जो है प्रॉब्लम हो गया था, नहीं तो उनको जो है 10,000 आराम से मिल जाता था। और वो वीक में क्या किया उन्होंने, थोड़ा इनकम भी कम किया, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी आप देखो इनका जो पिताजी का लास्ट टाइम का, बहुत ख़राब लगा वीरेंद्र भाई, आपने मुझे ख़राब किया, मुझे बुलाना था, मैं आपको देखना चाहता था आपका पिताजी को। तो ये है उनका लास्ट टाइम का अंतिम संस्कार। और एक बात यहाँ पे इन्होंने क्या किया था लास्ट का वीक में, इन्होंने खाली 103 ऑर्डर्स किया था, 106 ऑर्डर्स किया था, और एक जो ऑर्डर कैंसिल हुआ था उसका पेमेंट है। और 19 सेप्टेम्बर उनका पिताजी गुजर गया था, तो उन्होंने वो दिन काम नहीं किया, फिर सैटरडे में काम किया था, तो 150 भी कंप्लीट नहीं हुआ और एक ऑर्डर कैंसिल था, इसलिए शायद वो छोड़ दिया था, पिताजी का ऐसा हालत था। तो ये है दोस्तों सैटरबैक्स का बैग, और सैटरबैक्स कंपनी एक बहुत ही अच्छा सिस्टम किया यहाँ पे, बैग के साथ जो है कुछ बारकोड था, उस बारकोड को स्कैन करने के बाद दिया, तो बारकोड को स्कैन करने के वजह से क्या हुआ, आपके पास एक यूनिक आईडी हो जाता है, तो वो बैग का आईडी हो जाता है। और बैग के अंदर है टी शर्ट, दो टी शर्ट है, और इसका जो आप देखो बाहर यहाँ पे लिखा दिया गया है सैटरबैक्स विद डिलीवर, तो ये है बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ देखो इधर जो है, इधर के ऑप्शन में जो अंदर का ऑप्शन रहता था जो कुछ मतलब जूस लेने के लिए कुछ भी आइटम लेने के लिए, वो दोस्तों यहाँ पे इन लोग इधर दे दिया, ठीक है, बाहर के ऑप्शन दे दिया। और यहाँ पे निकलते हैं बैग के अंदर से दो टी शर्ट, तो अगर आपको टी शर्ट वगैरह लेना है तो जो कोशिश करो मेन ऑफिस में जाने के लिए, क्योंकि मेन ऑफिस में जाओगे आपको दो टी शर्ट देगा, और अगर ब्रांच ऑफिस में जाओगे तो आपको जो है एक एक टी शर्ट देगा, ठीक है, मैंने देखा है। तो इसको खोलते हैं, देखते हैं किस तरीके से क्वालिटी है, क्वालिटी मस्त नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो टी शर्ट का, आप यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो है सैटरबैक्स का लोगो, और यहाँ पे दिया गया है द इमर्जिंग ब्रांड, यहाँ पे जो है इकोनॉमिक्स टाइम्स का जो है इमर्जिंग ब्रांड का कुछ लोगो है, और यहाँ पे दिखा है सैटरबैक्स वी डिलीवर। और यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था ये जो क्वालिटी है मीडियम से अच्छा है, उतना तो ख़राब भी नहीं है, बट इसको और भी थोड़ा सा अच्छा कर सकते थे इन लोग। और यहाँ पे ये देखो ये जो है विदाउट कॉलर वाला है, तो कॉलर वाला होता था बहुत ही अच्छा होता था, क्योंकि जोमेटो में स्विगी में उबर में क्या है इन लोग जो है कॉलर वाला देते हैं, ठीक है, क्वालिटी और थोड़ा भी अच्छा करना था। तो बैग के लिए और दो टी शर्ट के लिए 600 रुपीज़, और ऑनबोर्डिंग फीस जो है वो है 1,000 रुपीज़। अगर आप सैटरबैक्स में ज्वाइन होना चाहते हो तो जो है मुझे मेरे साथ व्हाट्सएप में चैट करो, ताकि मैं आपको रेफ़र कर सकूं। मैं अगर आपको रेफ़र करूंगा तो आपको ही फ़ायदा है, मुझे ही फ़ायदा है, ठीक है। बाकी आगे चलते ही अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं उसके बदले में मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा। अगर ज्वाइनिंग करना है तो मेरे साथ चैट कर सकते हो। ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको कुछ भी पेमेंट नहीं रहता है, बट 50 ऑर्डर्स करने के बाद आपको जो है 1,600 रुपीज़ आपका पेमेंट से कट हो जाता है। और एक बात क्या है, आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो चाहिए आपका गाड़ी का टू व्हीलर का डॉक्यूमेंट्स, आपका बाइक का डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और इंश्योरेंस कॉपी चाहिए, आपको जो है आधार कार्ड पैन कार्ड डीएल चाहिए, बैंक का अकाउंट प्रूफ चाहिए। और मुझे अभी तक सैटरबैक्स में पेमेंट नहीं आया है, ये वीक का मतलब मेरा पहला पेमेंट नहीं आया है, शायद कल आएगा, और कल आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कितना पेमेंट आया है, क्या है नहीं है। तो जो 6,000 का जो माइन जी कैलकुलेशन है वो भी कैलकुलेशन बराबर नहीं है उनको, अभी उन लोग अपडेट नहीं किया है, तो देखते हैं कब तक वो अपडेट होता है, कब तक जो है पेमेंट आ जाता है। एक चीज़ दोस्तों आज हमने नोटिस किया कि मेरा जो पिछले का हिस्सा है मतलब जो कमर है बाइक के ऊपर जो मैं बैठता हूँ वहीं से लेके जो कमर तक ऑप्शन है मतलब इतना जो ऑप्शन है ना वो जगह में इतना पेन कर रहा है। आज जब मैं गाड़ी चला रहा था पहला 2-3 डिलीवरी दिया उसके बाद से जब मेरा पेन स्टार्ट हुआ मतलब कितना पेन कर रहा है मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि गाड़ी कैसे चलाऊँ, बैठ के चलाऊँ या फिर चल के चलाऊँ। मतलब जब मैं गाड़ी चला रहा था बीच में मतलब गाड़ी के बाइक के ऊपर खड़ के चला रहा था, तो मतलब जो पेन है उसको दूर करने के लिए। तो आप भी बताओ अगर आप डिलीवरी बॉयस हो, अगर आपको भी इस तरीके से कमर में पेन आता है, पेन होता है डिलीवरी करने के टाइम पे, तो मुझे ही बताओ कि ताकि हमें भी समझ में आए कि मेरा प्रॉब्लम मेरा नहीं है, आप लोगों का भी है। तो ये जो डिलीवरी का काम दोस्तों इसलिए हम लोग छोड़ना चाहते कि गाड़ी कभी भी चलता रहता है, जो गाड़ी में जो रोड का जो प्रॉब्लम रहता है ये उठना झुकना में, तो हमारा जो है कमर का हालत बहुत ही ख़राब हो जाता है। और हमें चाहिए डेली का अच्छा सा विटामिन टैबलेट लेना, कुछ सप्लीमेंट लेना, रिवाइटल या फिर जिंक कोविड टैबलेट जो भी कुछ है थोड़ा सा सप्लीमेंट लेना, तो वो चाहिए हमारे लिए जरूर हो जाता है। तो अब बताओ अगर आपको पेन आता है या फिर नहीं, आप कमेंट करके बता सकते हो। बस दोस्तों इस वीडियो के यहाँ पे जो है कंक्लूड करते हैं। बहुत ही जो है आज का दिन आपको खुशी रहे, और आप लोग जो है आने वाले दिन में आप भी खुशी रहो, और उम्मीद करूँगा जो वीडियो का टॉपिक था आपको पसंद आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, और कमेंट कर सकते हो जो भी कुछ कहना है भाई के साथ,
जो है फीडबैक में बताओ, कमेंट करके बताओ। और जोमेटो में, स्विगी में, साइटोवैक्स में, अमेजन फ्लेक्स में, कोई पे भी कहाँ भी अगर अपने डिलीवरी जॉब में हो, अगर आपको कुछ कहना है भाई के साथ तो कमेंट करके जरूर बताओ। बस दोस्तों, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में इस तरह से नया टॉपिक से नया वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड ऑलवेज कीप टीचिंग। थैंक यू। बाय बाय।